बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके हमारे चैनल पाव ब्लॉग्स में। हूँ प्राची छत्तीसगढ़ से। थोड़ा सा लाइट का कुछ प्रॉब्लम हुआ ना, थोड़ा सा इसमें ऐसा हुआ कुछ कि थोड़ा कम हुआ, थोड़ा सा मेरे क्वालिटी भी डाउन लग रही है और थोड़ा सा वो भी है, जो भी है नेचुरल लाइट है और कैमरे में प्रॉब्लम चल रही है, आप लोगों को पता है। वीडियो लेंथ में इसलिए नहीं आ रही है, ज़्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इसमें मेमोरी की प्रॉब्लम है, तो इसलिए बहुत लंबी वीडियो सेव नहीं कर पाता है, तो इसलिए जितनी बन पाती है मैं उतना ही छोटा बना पाती हूँ। और अभी 2:10 है और मेरा वापस शाम का टाइम स्टार्ट होने वाला है क्लास का, और फिर पहले तैयार हो लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो दोस्तों, ये है आदि के लिए कुछ एजुकेशनल चार्ट जो आज हम लेके आए थे। हालांकि ये जो चार्ट होते हैं ना, इसका प्लस पॉइंट बहुत सारे हैं, पर एक जो इसका प्लस पॉइंट ये है कि बच्चा इसमें बहुत इंटरेस्ट के साथ सीखता है और ये जो है ये उभरे हुए हैं, तो जिसके कारण वो हाथ से जब इसको फील करता है ना, तो वो उसका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैं 5 चार्ट उसके लेके आई थी, अल्फ़ाबेट वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, एनिमल्स का, नंबर्स का, तो जिसके कारण ना वो बहुत इंटरेस्ट के साथ इसमें करता है। खैर, वो कोई सा भी चार्ट हो ना या कोई भी एजुकेशनल हो ना, एजुकेशन वाली चीज़ें हो ना, वो बहुत इंटरेस्ट के साथ करता है। तो ये वाला जैसे नंबर वाले, तो इसमें नंबर्स जो है वो उभरे हुए हैं, जिसके कारण वो बहुत अच्छे से उसको पढ़ लेता है। और मेरे लिए सही में बताऊँ ना, ये हर माँ के लिए एक प्लस पॉइंट होता है कि बच्चा मतलब सीख रहा है कुछ, तो ये चार्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप लोग लेना चाहोगे तो ले सकते हो। और ये देखो, जब ये खाली टाइम होता है तो अपना इन्हीं चार्ट को ये उल्टा करके वो करता रहता है। तो यहाँ पर मेरा काम स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। और बस आलू का पराठा ऐसा यार, कोई ओकेज़न नहीं देखता है, जब मन किया तब खा लो। और मैं हमेशा आलू का पराठा जो है अपना हिमाचली तरीके से बनाती हूँ पूरा। और ये देखिए, और जब आप इस तरीके से बनाते हो ना, तो फूले हुए बढ़िया पराठे बनते हैं और मज़ा आ जाता है। सही में बताऊँ, जब आपके पास समय कम हो ना, तो आलू का पराठा एक बेस्ट सोर्स होता है एक फूड को लेने का। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपना, ये थोड़ा मेरा टेढ़ा हो गया है क्योंकि एक हाथ में कैमरा है। और बस दो पराठे खा लो, उसके बाद अपना काम कर लो, हो जाता है काम। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, और घी का बनाओ, ज़्यादा टेस्टी आता है क्योंकि घी का पराठा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी आप ऑयल डालते हो तो ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हो, तो अपने इच्छा के हिसाब से। तो ये देखिए मेरे 4-5 जो आलू के पराठे हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और दो हम लोग खाएंगे, एक आदि भी खाएगा। आदि को वैसे ज़्यादा पसंद नहीं है, बस काफ़ी है, कर्ड है। और यहाँ पर ये कैर और लहसुन का अचार है, और बस एक मिर्च, बस काफ़ी है इतना। और यहाँ पर आदि देखो, यहाँ पर हमारे घर पे जो है वो दो गाय हैं और उनके बछड़े हैं, और ये इनके साथ खेल रहा है, और सबसे बढ़िया है ये डरता नहीं है। और यहाँ पर जो मम्मी है वो यहाँ पर इसकी गौशाला की जो है वो साफ़ सफाई कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है हम लोग आज बड़ा पार्टी कर रहे हैं, ये मूंग दाल और एक उड़द दाल है शायद ये, हाँ। और यहाँ पर मैं बड़ा बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और यहाँ पर मैंने प्याज और इसमें सिर्फ नमक और हरी मिर्च डाली है। और हमारा बड़ा जो है वो रेडी है, तेल हमारा आ चुका है, और ये देखो मैंने देख लिया है तेल बढ़िया आ चुका है, और अब हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, फटाफट बनेगा। और गर्मा गर्म मतलब सब लोग हो तब मज़ा आता है, हम लोग कई बार संडे में मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं तो इतना मज़ा नहीं आता दो लोगों के बीच में, पूरी फैमिली हो तो गप्पे मारते मारते क्या है, 4-5 आप ऐसे ही ले लेते हो और संडे का दिन भी जो है वो बन जाता है। तो वही आज मैं कहा चलिए आज ले लेते हैं। और ये देखिए, वैसे हमेशा ऑयली मैं तो मना ही करती हूँ, नहीं खाना चाहिए, लेकिन हफ्ते में चलो कोई बात नहीं, एक बार खा सकते हैं, है ना। तो ये देखिए, तो यार आम इंसान की अगर मैं बात करूँ ना, जिसके लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया था, बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा है, आम इंसान यानी खासकर मिडिल क्लास वाले खुल के अपनी ना समस्या बता भी नहीं पाते, बाकी सब तो फिर भी मुझे लगता है कि कोई ना कोई हेल्प सबके पास पहुंच ही जाती है, लेकिन मिडिल क्लास ऐसा है कि अपनी बात ही नहीं रख पाता है कि मुझे ये परेशानी है। मुंह के ऊपर जब उसको कोई पूछता है ना तो सब ठीक है, लेकिन उस सब ठीक है के पीछे वो कितना दर्द झेलता है ना, वो मिडिल क्लास बहुत अच्छे से समझ सकता है। वो क्या करता है ना, सबसे बड़ी गलती तो हमारी ये होती है ना कि हमको सब चीज़ें बहुत सही चाहिए होती है, हर लाइफ में हर चीज़ अच्छी होती है,
हम किसी भी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमें एक घर चाहिए होता है, एक सोसाइटी को दिखाने के लिए। हमें एक कार चाहिए होती है सोसाइटी को दिखाने के लिए, अपने रिलेटिव और बोल सकते हैं रिश्तेदारों को दिखाने के लिए। घर का एक एक सामान चाहिए होता है हमको, किसको? रिलेटिव्स को या अपने पड़ोसियों को दिखाने के लिए, मतलब हर चीज़। वो अब उसकी उतनी सैलरी तो होती नहीं है कि वो सब चीज़ें खरीद सके, और उसके एवज में वो क्या करता है, बहुत सारी कुछ चीज़ें ईएमआई पे खरीद लेता है, कुछ चीज़ें वो उधार ले लेता है। ईएमआई भी तो एक तरह का उधार ही है ना। अपने आप को बोझ के नीचे दबाता जाता है। और अभी 1.5 साल से 2 साल से पता नहीं कितने लोगों की जॉब गई, कितने सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं, कितने सारे लोगों के मुझे मेल्स आते हैं। आत्मा बाहर निकल जाती है, लेकिन सबकी एक ही दिक्कत है, ईएमआई। ईएमआई वाले इतने सारे लोग हैं ना कि मैं क्या बताऊं। और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसमें आपको खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और भगवान ने चाहा सब कुछ अच्छा होगा, और आगे आने वाले रास्ते और खोजिए, काम करने के इनकम के और सोर्स खोजिए। क्योंकि आपका आपकी जैसे जॉब गई है, वैसे ही ये सोचिए कि मैं भी जिस फील्ड से हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। 1.5 साल से हमारा भी काम जो है वो बिल्कुल बंद है, हम भी लगे हुए हैं एक नई चीज़ों को, नए रास्तों को खोजने में। लेकिन इन सब का कंक्लूजन सिर्फ इतना ही था ना कि हम जो मिडिल क्लास होते हैं ना, अपने आप को कर्जे में, बेकार के कर्जों में इतना दबा देते हैं कि हम अपनी लाइफ को ना सही तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते। मुझे ऐसा फील हुआ। बाकी आप बताइएगा आपकी क्या राय है। मुझे सिर्फ जितना समझ है मेरे में, मैं उतनी ही बात कर सकती हूँ, बाकी आप लोग मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान हैं। आपकी राय मेरे लिए बहुत ही मतलब रिस्पेक्टेबल रहेगी, तो आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आप क्या महसूस करते हैं और कैसे इससे बाहर निकला जाए। मेरे हिसाब से तो इनकम के बहुत सारे सोर्स आपको ओपन कर देने चाहिए। जब आप उस तरीके से, आपको भी लगेगा कि क्या करूँ मैं, लेकिन जब आप उस तरीके से सोचना शुरू करोगे तो मुझे लगता है कि आपको वो सोर्स ऑफ इनकम एक नया ज़रूर मिलेगा। तो यार ज़्यादा वीडियो को मैं लंबी नहीं करती हूँ, यहीं पर वीडियो स्टॉप करती हूँ। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।